हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोम क्लासेस में। दोस्तों, सी टेट का जो एग्ज़ाम हुआ है जूनियर लेवल का कक्षा 6 से 8 तक, उसका हिंदी भाषा जो 91 से लेकर 120 तक है, उसका सटीक 100% एक्यूरेसी के साथ आपके हम डिस्कस करेंगे आंसर, जिसमें सबसे पहले गद्यांश दिया गया है। हम श्वास द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऐसा ही अधिकतर जानवर, चिड़ियाँ, रेंगने वाले जंतु, ये कीड़े मकोड़े करते हैं। इससे संबंधित एक गद्यांश दिया गया है जिसमें से आपको आंसर सही करके लिखने थे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 91 जो है वो है वातावरण का विग्रह और समास होगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। वात का आवरण यानी वातावरण, वात का आवरण, और इसमें समास जो होगा वो तत्पुरुष समास होगा। ऑक्सीजन ग्रहण करने में अधिकांश जीवधारियों का स्वभाव मानव के विपरीत है, मानव की तरह है, विचित्र प्रकार का है, मानव से भिन्न है। तो ऑक्सीजन जो पूछा है अधिकांश जीवधारियों का, तो अधिकांश जीवधारियों का मानव की तरह है, यानी वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। वनस्पति जब सड़ने लगती है तो वातावरण को मिलती है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण इसका क्वेश्चन था। जब वनस्पति सड़ने लगती है तो वातावरण को क्या मिलती है, तो जब वनस्पति सड़ती है तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड संबंधित करके दिए गए हैं, तो इसमें पहला जो है ऑप्शन नंबर 1 नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जैविक खाद, ये बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यदि आप गद्यांश के अनुसार लगाएंगे कि गद्यांश में जो दिया है तो इसका कार्बन डाइऑक्साइड होगा, मगर इसका महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है नाइट्रोजन। वनस्पति जब सड़ती हैं तो वो नाइट्रोजन भी रिलीज करती हैं, मगर आंसर इसका ऑप्शन नंबर 2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड होगा। पौधों और प्राणियों का जीव एक दूसरे के अस्तित्व के समान आ गया है जब हवा में लंबे समय तक, इसका सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का अनुपात समान रहे, तो ये सही आंसर हो जाएगा। पौधों और प्राणियों का जीवन एक दूसरे के अस्तित्व के समान आ जाएगा जब हवा में लंबे समय तक कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन अनुपात समान रहे। फिर एक गद्यांश पूछा गया है जिसमें कविता करके दी गई है, वह आता है दो टूक कलेजे करते पछताता, पथ पर आता पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, चल रहा कुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता, दो टूक कलेजे करके पछताता पथ पर आता। ये कविता करके दी गई है जिसमें आपसे आंसर करने को पूछा गया है, कलेजे के दो टूक करने का आशय क्या है, तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा, मन को कष्ट पहुंचाना। नेक्स्ट पर्सन है, भिखारी अपनी झोली क्यों फैलाता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, भूख मिटाने के लिए कुछ अन्न चाहता है ताकि वो अपनी भूख मिटा सके। मुँह शब्द में प्रयुक्त चंद्रबिंदु है, मुख शब्द में जो प्रयुक्त चंद्रबिंदु होगा वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, अनुनासिक इसमें सही आंसर होगा। काव्यांश से हमारे मन में उठने वाला मुख्य भाव क्या है, कविता आप ध्यान से समझिएगा, करुणा, वीरता, श्रृंगार और हास्य, 4 रस करके दिए गए हैं, जो आपको सही था ऑप्शन नंबर 2 था। कविता को सुनकर वरुण रस का भाव हृदय में उत्पन्न होता है, यानी दया का भाव उत्पन्न होता है। वह आता में वह सर्वनाम किसका द्योतक हो सकता है, तो वह भिक्षुक, अतिथि, विकलांग या गांधी जी करके दिए गए हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3-2, जिसे कहते हैं भिक्षुक यानी मांगने वाला, जो भिक्षा मांगे। पेट पीट दोनों मिलकर इसका एक कारण क्या हो सकता है, बहुत ही देखे समझने वाली बात है, जब आप देखते होंगे किसी व्यक्ति को तो कहते होंगे कि क्या तुझमें है नहीं, तेरा पेट और पीठ मिला हुआ है, यानी कि वो पेट से खाली है, उसे कुछ भी भोजन न करना, कुछ भी भोजन ना करना यानी वो भूखा है, यानी उसने कोई खाना नहीं खाया है, कुछ भी भोजन न करना। कविता में आई कई बार अभी भी का प्रयोग किया गया है, बातें रची गई हैं, बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकाल रहा है या नहीं, पर्सन में पर्सन की ओर संकेत करता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, भाषा संरचना। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त कौन सी संसाधन सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा, आयु अनुरूप साहित्य। नेक्स्ट पर्सन है, गणित, विज्ञान आदि विषयों की कक्षाएं भी बच्चे सीखते हैं,
पूर्णतः सहित है, सत्य है, सत्य है, आंशिक रूप से सत्य है, निराधार है, पूर्ण सत्य है। इसका जो सही क्वेश्चन पढ़ेंगे आप गणित विज्ञान आदि विषय की कक्षाओं में भी बच्चे भाषा सीखते हैं तो यह पूर्ण रूप से सत्य है। आप जो भी किताब पढ़ेंगे वहाँ आप भाषा भी एक तरह से सीखते हैं, चाहे वो अपनी किताब विज्ञान या गणित की इंग्लिश में पढ़िएगा, चाहे हिंदी में पढ़िएगा, या जो और अदर लैंग्वेज हैं जो पढ़ाई जाती हैं, तो बच्चे वहाँ अपनी भाषा भी सीखते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषाओं को ही जगह मिलनी चाहिए ताकि बच्चे का ऑप्शन नंबर 4 भाषा की विभिन्न रंगतों में परिचित हो सकें, हिंदी भाषी साहित्यकारों से परिचित हो सके, सामाजिक संस्कृति से परिचित हो सकें, तो ऑप्शन नंबर 4 भाषा की विभिन्न रंगतों से परिचित हो सकें। नेक्स्ट पर्सन आपका जो है वो है बच्चे भाषा तब बेहतर तरीके से सीखते हैं जब भाषा का समृद्ध परिवेश हो, सरल साहित्य का चयन हो, परीक्षाओं का आयोजन हो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, भाषा का समृद्ध परिवेश जब हो जाएगा तो उससे बच्चे भाषा बहुत ज़बरदस्त तरीके से सीख सकते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन की दृष्टि सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, जांच सूची, संरक्षणात्मक सूची, लिखित सूची या अवलोकन? तो महत्वपूर्ण होगा ऑप्शन नंबर 4 अवलोकन। द्वितीय भाषा करके दिया गया है, द्वितीय भाषा की पाठ्यचर्या एक लक्ष्य है, प्राकृतिक भाषा ज्ञान में अर्जित दक्षता के अनुरूप दक्षता प्राप्त करना है, सर्वोच्च, औसत, बुनियादी या उच्च? तो उच्च जो है इसका औसत दक्षता प्राप्त करना इसका सही आंसर हो जाएगा, अर्जित दक्षता के औसत दक्षता प्राप्त करना। भाषा के विभिन्न कौशलों को रूप में पढ़ाने की अनुशंसा की जाती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्रमिक रूप में पढ़ाने की अनुशंसा की जाती है। क्रमिक से मतलब होता है कि आपको लेवल बाय लेवल पढ़ाया जाए, ये नहीं है कि आपको पहले हाई लेवल पर पढ़ाया जाए फिर लो लेवल पर या कोई आपका लेवल ना हो, तो क्रमिक जो है क्रम से पढ़ाया जाना चाहिए, क्रमिक पढ़ाने की अनुशंसा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 114 है, व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपेक्षाकृत प्रभावी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा निगमन विधि, सूत्र विधि, पाठ्य पुस्तक विधि या आगमन विधि? तो राइट आंसर होगा आगमन विधि, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में रक्त और हमारा शरीर पाठ शामिल करने का विचार किससे जुड़ा है? संपूर्ण पाठ्य का चर्चा में भाषा विभिन्न भाषा की विभिन्न रंगतों, विज्ञान संबंधी शब्दावली या विषयों के विभिन्न भाषाएं? तो ऑप्शन नंबर 2 इसका 3 जो है विज्ञान संबंधी शब्दावली, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। त्रिभाषा फार्मूला भारत की चुनौतियों की ओर संबोधित करने का प्रयास है, भाषा स्थिति अवसरों? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा, त्रिभाषा फार्मूला भारत की भाषा स्थिति अवसरों की चुनौती की ओर अवसरों को संबोधित करने का एक प्रयास है। नेक्स्ट पर्सन है लिखने की क्षमता का विकास बोलने की और पढ़ने की क्षमता की संगति से होना चाहिए, यह विचार पूर्ण सत्य है, आंशिक रूप से सत्य है, पूर्ण निराधार है, पूर्ण रूपेण असत्य है? क्वेश्चन पढ़ेंगे, लिखने की क्षमता का विकास बोलने, सुनने और पढ़ने की क्षमता की संगति से होना चाहिए। देखिए दोस्तों, यदि आप हिंदी पूरी तरीके से पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि लिखा वही जाता है, व्याकरण आप पढ़ेंगे व्याकरण में लिखा है वही लिखा जाता है जो आप सुनते हैं, जो आप पढ़ते हैं, जो आप बोलते हैं। तो यदि इसे मैं पूर्ण रूप से सत्य कहूं तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी, इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का उद्देश्य है भाषा की बारीकी, सौंदर्य बोध को सही रूप से समझना? तो राइट आंसर 1 हो जाएगा, दो, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझना, बाकी जो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं वह गलत हैं। ज्ञान से संबंधित अन्य भाषा अन्य विषयों की समझ का विकास तथा उससे आनंद उठाने की क्षमता का विकास उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का इसका राइट आंसर है एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, इसका सही आंसर हो जाएगा, बाकी जो ऑप्शन दिए गए हैं सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य, सबसे कम महत्वपूर्ण उद्देश्य, एकमात्र उद्देश्य, ये गलत, ऑप्शन नंबर 1 सही है। पढ़ने का अर्थ है, इसमें दिया गया है कि पढ़ने का अर्थ क्या है, तो वर्णमाला का ज्ञान, वाक्यों का पढ़ना, शब्दों को पढ़ना या पढ़कर समझना? तो पढ़कर समझना ये बिल्कुल सत्य रूप से साबित होता है, यहाँ पढ़ने का अर्थ है पढ़कर समझना कि जो आप बोल रहे हैं, जो आप पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल सत्य हो, पढ़ने और आपके बोलने में कोई दो भाव ना हो, आपने जो पढ़ा वही आपने समझा।
तो इस तरह इसका आंसर नंबर 4 हो जाएगा। तो दोस्तों हिंदी जो जूनियर लेवल में हिंदी आई थी भाषा फर्स्ट उसका हमने आपसे सॉल्यूशन डिस्कस किया है 91 से लेकर 120 क्वेश्चन तक। यदि आपको किसी पर्सन पर डाउट है तो आप क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।